नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। मंगलवार को पुणे के शिरोरे इलाके से एक शख्स ने अदालत परिसर में अपनी पत्नी और सास को गोली मार दी, जहां पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और सास हॉस्पिटल में एडमिट है। इस हत्याकांड के पीछे की वजह पारिवारिक विवाद बताया गया है। पति पत्नी के बीच कई महीने से तलाक का केस चल रहा था और तीनों अदालत की तारीख पर गए थे। आरोपी की पहचान दीपक ढवले के रूप में हुई है। उसने अपनी पत्नी मंजूश्री ढवले के सिर पर गोली मारी। पत्नी के मरने की पुष्टि होने के बाद उसने गुस्से में अपनी सास तुलसाबाई को भी गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक वारदात में उसके भाई संदीप ढवले ने भी उसका साथ दिया। बताया जाता है कि दीपक आर्मी से रिटायर्ड है और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपनी पत्नी को गोली मारी है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया हुआ हथियार बरामद कर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता था, लेकिन पत्नी डाइवोर्स और गुजारा भत्ता देने की मांग को लेकर अदालत में केस लड़ रही थी। पिछले कई महीने से पति और पत्नी, उनके परिवार के लोग अदालत के चक्कर काट रहे थे और लगभग हर बार उनमें झगड़ा होता था। इसी गुस्से में आरोपी ने भाई के साथ मिलकर यह जानलेवा कदम उठाया। वारदात दोपहर 2 बजे के आसपास हुई। अदालत परिसर में हुई इस वारदात के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद आरोपियों को वकीलों ने पकड़ लिया और जमकर उनकी पिटाई की। आगे की जांच में पुलिस की एक टीम जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज़।